इसमें जो सेकंड सम है उसमें हमें ए और बी के ये वाले कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने ये पी और क्यू दो पॉइंट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को एक दो तीन बराबर हिस्सों में बांटे। इसके ट्राई सेक्शन को फाइंड करना है, हमने लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन को फाइंड करना है। तो जब हम पी पॉइंट फाइंड करेंगे तो ऐसे हम पी पॉइंट फाइंड करेंगे तो पी पॉइंट के जो एक्स और वाई हैं यहाँ पर हम रेशो एक रेशो दो ले लेंगे, तो उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 × −2 + 2 × −2 × 4। तो ये आ गया −2 × 4 to the 8/2 + 1 = 3। ये आ गया 8 में से 2 गए 6/3 = 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू के लिए हम 1 को −3 से करेंगे प्लस 2 को −1 से करेंगे, −3 − 2 / 2 + 1 = 3, ये आ गया −5/3। तो ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 2 और −5/3। और ये वाला जो क्यू पॉइंट है यहाँ पर हम रेशो जो है 2:1 ले लेंगे, तो 2 × −2 + 1 × 4/2 + 1 दैट इज −2 to the −4 or 4 यहाँ पर 0 आ गया। और यहाँ पर आ गया 2 × −3 − 6 or 1 × −1 = −6 or −1 − 7/3, y की वैल्यू आ गई −7/3। तो p की वैल्यू 2 × 2 or −5 or 0 or −1/3। तो ये जो दो पॉइंट हैं इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे, यानी तीन हिस्सों में बांटेंगे। तो ये हमारा सेकंड सम हो गया।